तो आज हम देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किस तरह से हम एक यूट्यूब के लिए इंट्रो बना सकते हैं। तो यूट्यूब के लिए इंट्रो बनाना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा कि किस चैनल का नाम है, कैसे बनाना है। तो ये मेरा चैनल है, इसके लिए अगर मैं यूट्यूब के हवाले से कोई इंट्रो बनाना चाह रहा हूँ पावर पॉइंट के ऊपर, तो हम कैसे बना सकते हैं उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो मेरे चैनल का नाम है राशिद आईटी वर्ल्ड। तो ठीक है, इसको लेके आगे चलते हैं और यहाँ से हम पावर पॉइंट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से हमने जैसे पावर पॉइंट आपके सामने खोल रखा है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये एक स्लाइड आ रही है, इसको हम जाके यहाँ से लेआउट में जाके इसको ब्लैंक कर देते हैं, सेव कर देते हैं, ब्राउज कर लेते हैं, ब्राउज करके यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने जाके उसको डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है, यहाँ से हमने पावर पॉइंट के फोल्डर में जाना है और यहाँ पर भी हमें जाके उसको हमने सेव करना है इसके ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो कुछ इस तरह का आ रहा है कि हम इसको ग्रुप में सेव कर देते हैं जो हमारा है, इस तरह से जाके, और इसका नाम हम रख लेते हैं क्लास 05 यूट्यूब इंट्रो, ठीक है। इसको ओके कर देंगे, ये हमारा आ गया। अब उसके लिए हमने जो स्क्रीन साइज है, वैसे ये सेट है उसके लिए, जो इंट्रो का साइज है 16.9 पे, इसी साइज पे हमें क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक बैकग्राउंड लगाना है। अब देखना ये है कि जैसे इंट्रो के ऊपर बैकग्राउंड कैसा लगेगा। जैसे मिसाल के तौर पे कि इस तरह का बैकग्राउंड हो के भाई, जैसे चैनल है राशिद आईटी वर्ल्ड, तो इसी तरह का कोई बैकग्राउंड जो है वो हमें इस पे लगाना होगा। तो अब ऐसे बैकग्राउंड्स हमें मुख्तलिफ वेबसाइट से मिल जाएंगे, और यहाँ पर हम चलते हैं एक वेबसाइट जिसको मैंने आपको बताया था, pixels.com। तो यहाँ से हम एक वेबसाइट ले लेते हैं pixels.com, और उससे कोई हम इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, या अगर आपके पास कंप्यूटर में कोई इस तरह का इमेज है जो आपके बैकग्राउंड पे अच्छा लगेगा, तो इंसर्ट में जाके यहाँ से आप वो भी लगा सकते हैं। यानी कि जैसे कि डिज़ाइन में चले जाते हैं और कस्टमाइज़ करके यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं, यहाँ से पिक्चर और टेक्स्चर पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से जाके हम उसको क्लिक करते हैं इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद जो है ना, यहाँ से फ्रॉम फाइल पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम चले जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। यहाँ जाने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं और लेटेस्ट के फोल्डर में चले जाते हैं, और यहाँ जाके हमने कुछ इस तरह का बैकग्राउंड ले लेना है। जैसे ये वाला बैकग्राउंड हो गया, ये वाला बैकग्राउंड हो गया, या इस तरह का, जैसे इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया लेकिन ये भी अच्छा था, ये इस तरह का बैकग्राउंड ले लें, और इस तरह का कोई लोगो वगैरह हो जिसमें कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम वगैरह हो रहा हो। तो अगर आपके पास कोई ऐसा फोटो है तो ठीक है, वरना जैसे मैंने आपको बताया कि इस वेबसाइट पर जाएँ और आईटी वर्ल्ड लिखते हैं हम इसके ऊपर, और उससे रिलेटेड ही हमें कुछ डिज़ाइन दे देगा और इमेजेस भी दे देगा। तो यहाँ से आईटी वर्ल्ड से रिलेटेड हमारे पास फोटोज आ गए, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड हमें कौन सा फ़ोटो सूट करेगा, तो यहाँ से अगर कोई फ़ोटो हमें मिल रहा है, ये फ़ोटो ज़रा अच्छा लग रहा है, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम, अब ये पिक्चर है पोर्ट्रेट में, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, लेकिन चलो डाउनलोड तो कर ही लेते हैं। तो दो बार डाउनलोड हो गई, एक बार इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो ये दूसरी बार डाउनलोड हो गई यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ से डबल क्लिक करते हैं, ये देखते हैं पिक्चर लैंडस्केप ही है, ठीक है, चल जाएगी। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं कंट्रोल एक्स से, कुछ और पिक्चर्स भी हैं जो मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, क्लिक करके यहाँ से कट कर लेते हैं कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर जाके हम इसको ये क्लिक किया कंट्रोल के साथ, कंट्रोल एक्स कर दिया, और वो फोल्डर लेटेस्ट वाला जो हमने खोल रखा था उसमें जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया, लेटेस्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अभी जो लास्ट पेस्ट हुए होंगे वो सबसे ऊपर ही आ जाएंगे। डेट मॉडिफाई पर रख लेते हैं इसको, यहाँ से चले जाते हैं पावर पॉइंट पर, यहाँ से क्लिक करते हैं इंसर्ट पर। तो यहाँ पर हम उसी फोल्डर में जाना चाहेंगे जहाँ पर हमारी इमेजेस सेव थी, उसी फोल्डर में आ गए, और यहाँ पर भी हम राइट बटन दबा के सॉर्ट बाय डेट मॉडिफाइड पे क्लिक कर देते हैं, और उस पर ही हमें पिक्चर सबसे ऊपर नजर आ रही है। तो ये हमने एक पिक्चर इसके ऊपर इस तरह से लगा दी, और अब हम इसके हवाले से ये चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है आईटी वर्ल्ड, तो राशिद आईटी वर्ल्ड, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट ले लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ राशिद, और राशिद लेने के बाद यहाँ पर लिख के इसको होम में जाके यहाँ से फॉन्ट साइज़ को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके राशिद के साथ साथ आईटी वर्ल्ड भी इसके आगे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसके आगे लिख दिया आईटी वर्ल्ड, तो क्लिक आई कैपिटल और टी वर्ल्ड इस तरह से हमने लिख दिया।
इस पे क्लिक करके हमने इसको आगे कर दिया, सेलेक्ट ऑल कर दिया, होम में गए, यहाँ से ब्लैक कर दिया और यहाँ से लाके आपने इसके अंदर ये इस तरह से ऐड कर दिया। और यहाँ पे क्लिक करके इसको, यहाँ से क्लिक करके यहाँ से हमने इसको जाके ये इस तरह का टैक्स इस पर लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से नजर आ रहा है राशिद आईटी वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया हमारे चैनल का नाम। तो एक तरह का मामला तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये इस तरह से दिखाई भी दे रहा है, हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि दो हिस्सों में, एक पार्ट ऊपर और दूसरा पार्ट नीचे, ताकि ये थोड़ा सा ऐसा नजर आए। और ये वाला पार्ट को भी हम थोड़ा सा और बढ़ा कर सकते हैं नाम वगैरह में, क्योंकि इंट्रो है हमारे चैनल का, तो ये इंट्रो किस तरह से भी ज़्यादा बेहतर बन सकता है उसको बनाने के लिए हम मुख्तलिफ कोशिशें कर सकते हैं। तो ये देखें राइटशिप आईडी वर्ल्ड, इस तरह से हमने टैक्स के ऊपर लिख दिया, कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बनाना है, तो ये कॉन्सेप्ट देखें इसके ऊपर बन गया। अब उसके ऊपर कोई ऐसी लाइन हम कुछ टेक्स्ट की ऐड करें जिसमें ये जाहिर हो रहा हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल के क्या इस चैनल पे हमें मिल रहा है, तो कोई भी एक क्रिस्पी लाइन इसके लिए लिख सकते हैं। जैसे अगर मैंने कोई अपने चैनल पे लिख रही है तो वो लाइन हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो डैशबोर्ड पे देख लेते हैं, तो ठीक है, तो ये हमारे चैनल का आ रहा है तकरीबन सब्सक्राइबर ये हो गए और ये सारे मामला इसके चलते हुए आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं जैसे मुख्तलिफ सेंटेंसेस हैं, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा तो कोई लाइन, तो हम उस पर सहारा ले लेते हैं चैट जीपीटी से, और चैट जीपीटी को कहते हैं कि क्रिएट स्टनिंग लाइन फॉर माई यूट्यूब चैनल राशिद आईटी वर्ल्ड, क्रिएट स्टनिंग फाइव लाइंस, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे योर गेटवे, ठीक है, ये एक स्नेल लाइन बना दी, योर गेटवे टू मास्टरिंग द लेटेस्ट टेक इन आईटी सॉल्यूशंस, अनलॉक द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी विद राशिद आईटी वर्ल्ड, ठीक है, ट्यूटोरियल टिप्स एंड ट्रिक्स, एवरीथिंग टेक इंथास्टिक, डिव इनटू वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इनोवेटिव विद राशिद आईटी वर्ल्ड, योर अल्टीमेट गाइड टू आईटी एंड टेक ट्रेंड्स, स्टे अहेड इन द टेक गेम विद आईटी वर्ल्ड, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रिव्यूज एंड हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल्स, ज्वाइन राशिद आईटी वर्ल्ड एंड ट्रांसफॉर्म योर टेक स्किल्स विद अवर ईजी टू फॉलो गाइड्स एंड एक्सपर्ट एडवाइस। तो देखें काफ़ी अच्छी सी लाइन्स ने मैंने बना दी, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हमें लिख रहा ही है ज्वाइन, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक ज्वाइन का ले लेना है। तो इस तरह से हमने एक टेक्स्ट जैसे कि इसका डुप्लीकेट किया और यहाँ पे लेके हमने यहाँ पे लिख लिया एक ज्वाइन का, बना देते हैं ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन ले लिया हमने यहाँ पे। तो ये ज्वाइन इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है राशिद आईटी वर्ल्ड ज्वाइन। अब ज्वाइन करेगा तो ज्वाइन से रिलेटेड कोई इमोजीज या कोई हमें चाहिए होंगी, क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्म योर टेक स्किल्स विद आवर, ट्रांसफॉर्म योर टेक स्किल विद आवर ईजी टू फॉलो एस गाइडलाइन। तो टेक स्किल्स और एक्सपर्ट इनसाइट्स, रिव्यूज, हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल्स, तो ट्रांसफॉर्म योर टेक स्किल्स, तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक और इसी का डुप्लीकेट, यहाँ से लेके हम लिख लेते हैं, इसमें प्रेस कर देते हैं ट्रांसफॉर्म योर टेक स्किल्स, और ये लिखने के बाद हम इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम करके और यहाँ पे दो हिस्सों में इसको ऐसे दिखा देते हैं ताकि ये यहाँ पे इस तरह से नजर आएगा। तो और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ट्रांसफॉर्म योर हैंड स्किल्स, ठीक है, और इसको यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट कुछ बेहतर लगा देंगे हम यहाँ पे कि किस तरह का नजर आए फॉन्ट। तो इस तरह के आइडियाज जो हैं आप इसके ऊपर अपने ऊपर जनरेट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बेहतर नहीं लग रहा, ये वाला सही लग रहा है ट्रांसफॉर्म योर टेक स्किल्स, ठीक है। तो ज्वाइन ज्वाइन लिखा हुआ गया, ज्वाइन के नीचे लिखा गया ज्वाइन अस, अच्छा ज्वाइन अस में हम यहाँ पर जो है ना एक ये भी कर सकते हैं कि जिसे ज्वाइन अस लिखना है तो यहाँ पर ही आ जाते हैं हम इस पे pixels.com पे और यहाँ पर कोई इमेज भी तलाश कर सकते हैं जिसमें ज्वाइन अस का टेक्स्ट हम लगा दें, ज्वाइन अस, तो यहाँ पे जाके आप इसको सर्च कर लें। जैसे ही सर्च करेंगे ज्वाइन अस तो यहाँ पर आपको सर्च होके यहाँ पे नजर आने लग जाएगा ज्वाइन अस। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो जैसे ज्वाइन अस में ये लिखा हुआ आ रहा है, ज्वाइन अस के कुछ बटन्स हैं और ज्वाइन अस की ये फ़ोटो भी है, और देखें जैसे ये हाथ है ज्वाइन अस के लिए, ये हाथ है कनेक्टिविटी को शो कर रहा है,
तो अगर इनमें से जैसे कोई चीज़ हमें लग रही है कि ये हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये सही रहेगा या ये सही रहेगा? जैसे कि अगर ये वाला आइडिया हमें सही लग रहा है तो इसको हम राइट बटन दबा के कॉपी एड्रेस कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और फिर यहाँ से चले जाते हैं रिमूव डॉट bg वेबसाइट के ऊपर, और वहाँ पे जाके हम इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पे अपलोड इमेज और ड्रॉप यूआरएल, तो यूआरएल डाल दिया हमने यहाँ पे, ये वहीं से इमेज ले लेगा खुद ही, क्योंकि हमने वहाँ पे इमेजेस का यूआरएल कॉपी कर लिया। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर एड्रेस जो है ये इसका रिमूव कर देगा बैकग्राउंड, और ये इसको खाली कर देगा, ठीक है। इसके बाद हमें ये पिक्चर डाउनलोड करनी है, तो हमें यहाँ से डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे क्लिक करके, और डाउनलोड करने के बाद ये पिक्चर यहाँ पे नज़र आ जाएगी। इसके बाद यहाँ डबल क्लिक करके हमने इसको देखना है कि ये पिक्चर पे क्या दिखा रहा है, तो ज्वाइन इसका लोगो आ गया। इस पिक्चर को हम ले जाके अपने यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का मामला हम इसके साथ क्रिएट कर सकते हैं, और ये ऐसे हमें दिखाई दे देगा। तो ये देखिए ज्वाइनस के साथ साथ ये सिंबल भी बना हुआ आ गया और इस पे लिखा हुआ रहा है। तो अगर हम ज्वाइनस को इसके नीचे करना चाहें तो भी ठीक है, सही चल जाएगा ये। ऐसे कर दें और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, ये देखें इस तरह से याई के साथ थोड़ा कोलैप कर लें, और ये इसके साथ इस तरह से आ जाए, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से हो गया, और ये ज्वाइन जो है हम इसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है। और अस भी लिखना है साथ में, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे ज्वाइनस के साथ, जो ये अस भी लिखेगा ज्वाइनस, ठीक है। ज्वाइन बस, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखें इस तरीके से थोड़ा बहुत भी काम करके एक अच्छा सा ये आइडिया इसके ऊपर हमारा बैठता जा रहा है, और ये आगे हमारा जो है इंट्रो अब अच्छा सा बनेगा। तो अब हमारे पास जो है नेक्स्ट ऑप्शन है इसके ऊपर कि भाई अब ये बताना है कि ये यूट्यूब का है, तो यूट्यूब का जो वो लोगो है वो हमें यहाँ पे लगाना है। तो यूट्यूब का लोगो डाउनलोड करना कोई ऐसा मसला नहीं है, आप इजीली यूट्यूब का लोगो उसकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सेव कर देता हूँ मैं इसको, YouTube के लोगों गूगल पे जाके भी सर्च कर लें, यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं YouTube लोगो, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे इस तरह से, ठीक है। तो आपको अच्छा सा लोगो मिल जाएगा YouTube का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PNG HD कर दें इसको इस तरीके से, तो ये अच्छा सा एक मिल रहा है यहाँ पे, ये इसको ये सही रहेगा मुझे लग रहा है, ये वाला ये लेते हैं, इसको यहाँ से क्लिक करते हैं, और इसका भी हम राइट बटन दबा के यहाँ से ही लेते हैं कॉपी 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 इमेज एड्रेस, और रिमूव बीजी हमारे सामने खुली हुई वेबसाइट, तो उस वेबसाइट पे चले जाते हैं और उसको कह देते हैं कि भाई एक दफ़ा फिर से आप हमारे लिए काम कर दो कि इसका जो एड्रेस बैकग्राउंड है वो रिमूव कर दो। ये वेबसाइट खुल गई हमारे पास, यहाँ पे ड्रॉप लिंक करा, पेस्ट किया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद जो है यहाँ से ये हमारे सामने आ गया, इसको हमने यहाँ से डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करके हमारे पास ये नज़र आएगा फोल्डर्स के अंदर, यहाँ से पकड़ेंगे अपने पावर पॉइंट के ऊपर ला के रख देंगे, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो प्लेस करते जाएंगे और हमारा काम जो है अच्छा होता चला जाएगा। ये इसको यहाँ रख लेते हैं, तो ये देखिए हमारा बैकग्राउंड के साथ साथ ये भी इसके ऊपर सेट हो गया, और ट्रांसफॉर्म योर स्किल्स ट्रैक स्किल्स भी लिखा हुआ आ रहा है। अब जिससे जाहिर हो रहा है कि ये यूट्यूब पर कोई इनका मामला है, और ये चैनल यहाँ पर कोई इस तरह से करना है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब आता है नीचे के भाई, अब इसके साथ साथ आपने और क्या बताना होता है, ज्वाइनस भी आ गया, अब वो क्या करते हैं कि इसके साथ साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, इस तरह की चीज़ें भी हमें इसके ऊपर दिखानी होती है। तो सेम तरीका है कि आप इसको यहाँ से जो है वो आइकन भी आपको मिलेंगे, और आपने उसको डाउनलोड करना है, यहाँ से गूगल पे गए और सब्सक्राइब का जो है आपने जो है आइकन जो है सब्सक्राइब लोगो जो है वो यहाँ से ले लेना है, और अच्छा सा ले लें कोई, ताकि वो लगे कि हाँ भाई ये इसका जीनियन है। तो सब्सक्राइब्स लोगो PNG और HD लिख दें इसके ऊपर, और यहाँ पे लिखने के बाद सर्च कर दें इसको। सर्च करेंगे तो ये सर्च करके ले आएगा आपके सामने रिजल्ट्स, तो फिर जो भी आपको अच्छा लग रहा है इसके अंदर से वो आपने चूज कर लेना है। तो जैसे हम ये वाला ले लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको ही राइट बटन दबाएंगे और कॉपी इमेज एड्रेस, तो यहाँ से आप अपनी इमेज एड्रेस करेंगे, और यहाँ पर जाके आपने जो है एक दफ़ा फिर से इसकी वेबसाइट पर जाना है, और यहाँ पर जाके आपने पेस्ट करना है यूआरएल, यहाँ पे क्लिक करना है यूआरएल वाली जगह पर, पेस्ट करके ओके कर देना है, तो ये डाउनलोड करेगा वहाँ से। तो
और ये इसको रिमूव कर देगा अभी थोड़ी देर में। ओके यहाँ से डाउनलोड करेंगे और ये देखिए हमारे पास डाउनलोड हो गया। और यहाँ से हमने सब्सक्राइब लोगों को लेके यहाँ रख देना है। अब ये फर्स्ट टाइम बना रहे हैं इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन जब इंशाल्लाह आपका ये एक दफ़ा ये सारी चीज़ें डाउनलोड करके रख लेंगे तो सेकेंड टाइम में आपको ये दुश्वारियाँ नहीं होंगी इस पर काम करने की, ताकि ये आपका जो है इस तरह का मामला फिर आपको पेश नहीं आएगा, क्योंकि हर चैनल पर यही चीज़ आप उस पर ऐड करते जाएंगे और ये लोगो और ये चीज़ें उस पर आपको मिल जाएंगी। तो देखिए सब्सक्राइब का बटन भी हमने इस पर ऐड कर लिया और काफ़ी अब इस पर अच्छा सा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारा, ये अच्छा सा बनता जा रहा है। अच्छा अब इसमें जो नेक्स्ट है वो हमें ये शो करना है कि फॉर एग्जाम्पल ये तो एक इंट्रो हो गया, तो अपना फोटो भी इंट्रो में लगाते हैं लास्ट में कि आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी होती है इसके ऊपर। चलो वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, भी फोटो को अच्छा सा लेंगे। अब यहाँ पे हम दीगर बताना चाह रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक कर लें और जैसे कि इसमें शेयर वाला, तो अब उसके साथ साथ नीचे हम फेसबुक का अपना और दीगर इंस्टाग्राम का और ट्विटर टिकटॉक का भी हमारा जो शेयर्ड अकाउंट्स होते हैं उनके भी आइकन्स नीचे लगाना चाहते हैं सोशल मीडिया किट पर, तो वो भी हम इसी तरह से एक एक करके पहले लेते जाएंगे यहाँ से। तो लोगो PNG कर दिया था, अब हमने यहाँ से ले लिया सपोज टू बी फेसबुक लोगो PNG ले लिया। अब फेसबुक का ये वाला लोगो ज़्यादा अच्छा है, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम इसको यहाँ से ले लेते हैं। इसमें एक 3D मॉडल भी दिखा रहा है इसका, ये देखिए ये वाला भी है। इसके इमेजेस पे चले जाते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाता है ये 3D है और ये सिक्के शिकल है। ये वैसे इसका जेनियन आइकन है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इसको हम ले लेते हैं। और इसका रेजोल्यूशन सही नहीं है, लेकिन मैंने PNG HD दिखाया इसके ऊपर, इसका रेजोल्यूशन कुछ बेहतर है, तो इसका रेजोल्यूशन ये कुछ सही नहीं, ट्रांसपेरेंट है। इसी को ले लेते हैं, इसको यहाँ से कंट्रोल कॉपी करते हैं एड्रेस को, इमेज एड्रेस, और यहाँ पर जाके इसी वेबसाइट पर हम दोबारा से क्लिक करके और यहाँ नीचे आके URL पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये इसको रिमूव करना शुरू करेगा। मीनवाइल हम यहाँ पे इंस्टाग्राम का भी सर्च कर लेते हैं, जहाँ जहाँ हमारा ID होगा सोशल मीडिया के इस पर, तो अल्टर्ट कंट्रोल टैब के साथ इसको ले लेता हूँ। यहाँ पर आ गए हम और यहाँ पर हमने इंस्टाग्राम लिख दिया इंस्टाग्राम, और यहाँ पर लोगो PNG HD कर दिया इसको हमने। यहाँ पे इंस्टाग्राम का जो जेनियन आइकन है वो ये वाला ले लेते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ से और ये लोड हो जाएगा भी हमारे सामने। और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और ये फिर आगे ले जाते हैं इसी वेबसाइट के ऊपर, इसको डाउनलोड कर लेते हैं और फिर यहाँ से क्लिक करके और दोबारा से पेज पर आने के बाद हमने थोड़ा सा वेट किया और उसके बाद URL पे क्लिक किया, पेस्ट किया, ओके किया। मीनवाइल ये बना रहा है जब तक, फिर हम दोबारा से कंट्रोल टैप कर लेते हैं और यहाँ पे हम ट्विटर का भी ले लेते हैं, क्योंकि हमारे तकरीबन सारे सोशल मीडिया का अगर अकाउंट है तो उसको शो करना होगा, तो ट्विटर पे ये वाला अच्छा लग रहा है, इस पर क्लिक कर लेते हैं, ये भी अच्छा है। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं इमेज एड्रेस को, कॉपी इमेज एड्रेस, और फिर यहाँ ले जाके आगे क्लिक कर लेते हैं और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। और इसके बाद दोबारा से हम यहाँ पे क्लिक करके मैन पेज पे चले जाते हैं और यहाँ जाके URL पे क्लिक करके और यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ये जब तक हो रहा है चौथा रह गया हमारा TikTok, अगर है इसको यूज़ करते हैं तो TikTok का भी एक लोगो ले लें इसमें। यहाँ पे हमने लिख लिया TikTok लोगो PNG HD, तो यहाँ से लेके आप इसका जो जेनियन लोगो है TikTok का, आई थिंक सो यही वाला है, ये ले कोड को और कंसाइज करके लिखना बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर सी आउट लिखा, लेस देन लिखा, अब अगर मुझे न्यू लाइन यहाँ पे लेना है तो मैं ऐसे भी ले सकता हूँ फॉरवर्ड स्लैश एन और यहाँ से आगे, दिस इज कॉल्ड न्यू लाइन, डाउनलोड डबल कोट्स के अंदर, ठीक है ना। तो इनको हम स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर कहते हैं। इसमें हमारे पास कितने कैरेक्टर हैं स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर में, स्कैप सीक्वेंस, ये सी का कोड है बेसिकली, सीक्वेंस कैरेक्टर और URL दे देंगे तो ये आगे आ जाएगा। और यहाँ पर लाइक तो शेयर एंड लाइक, शेयर एंड लाइक ब्लू में भी आ रहा है,
एंड्रॉइड वाला ज्यादा बेहतर लग रहा है। इसमें यूट्यूब का लोगो भी आ रहा है साथ में, इसमें हमारे पास है फॉरवर्ड स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, जितनी बार लगाएंगे उतनी बार आएगा, फॉरवर्ड स्लैश बी बैक स्पेस, ये ले लेते जितनी बार लगाएंगे एक बैक स्पेस हो जाएगा, फॉरवर्ड स्लैश टी फॉर टैब यानी कि 10 स्पेसेस एक साथ, ठीक है। तो ये तीन आप यूज करते हैं इसके अंदर एन बी टी, ओके। तो ये हमने फॉरवर्ड स्लैश एन लगा दिया, तो ये अब अगली स्टेटमेंट जो मैं लिखूंगा ना आगे वो न्यू लाइन पर ही आएगी, यानी कि न्यू लाइन आगे चले तो उसमें मैंने क्या लिख रहा है, कैलकुलेशन बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइव छोटी सिंपल बनाते हैं, थ्री कॉपी मेज एड्रेस इनटू थ्री डिवाइडेड बाय टू, अभी कर ही नहीं पाया इसको, माइनस फाइव प्लस टेन, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, अगर रूल के हिसाब से देखें तो इस थोड़ा सा हैंग हो गया ये, ओके जितना काम हुआ है पहले उसको निपटा लेते हैं। तो इंसर्ट पे चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट में जाके आप इसको डिफरेंट स्टाइल से लगा सकते हैं। स्मार्ट आर्ट का भी यूटिलाइजेशन इसमें बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, जिसमें अगर आपके पास पिक्चर्स के साथ सबसे पहले क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए मिल जाए तो थ्री और टू का डिवीजन होगा आंसर। अच्छा मामला हो सकता है कि हम पिक्चर्स भी दिखा दें और साथ साथ उनके नीचे भी कुछ लिख भी लें, तो इसमें कुछ इस तरह के जो लिस्ट कंट्रोल हैं इसी में देखते हैं हमारे पास है तो सही, लेकिन ये कौन सा पिक्चर वाला देख लेते हैं, ये सारे ऐसे आ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि थोड़ा इस तरह से नजर आए, फिर ये सारे पैरेलल करके बनाने पड़ेंगे। चलो ये आइडिया भी फिट हो ही जाएगा, लेकिन इसके साथ टेक्स्ट भी आ रहा है ना, हाँ ठीक है इसको लेते हैं यहाँ पे, और इसमें इसने इस तरह से हायरार्किकल फॉर्म में बना रखे हैं, तो इनको हम यहाँ से ख़त्म करते हैं, ठीक है। एक पिक्चर आ गई, दो तीन चार पाँच, अब इसमें मसला ये हो रहा है कि ये सारे के सारे ऐसे आ रहे हैं, फिर हमें इनको एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर इस तरह से किया जा सकता है और टेक्स्ट फिर सबके साथ लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो जैसे अगर फेसबुक का आईडी है तो फेसबुक का टेक्स्ट यहाँ पे लिखा जा सकता है आगे, यहाँ पे हम पहले इनके फोटोज लगा लेते हैं, तो यहाँ से हम इस पर डबल क्लिक करते जाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा काम करने के बाद कंप्यूटर की सूरत हाल ऐसी हो जाती है बातों का। मैं हालांकि इसको सेव करके बंद करके दोबारा खोल लेते हैं, ठीक है, और ये तो अभी तक नहीं खुला, डाउनलोड कर लिया जाते, ठीक है। तो पावर पॉइंट को दोबारा से खोलने की कोशिश करते हैं,